सर, आज आप चंडीगढ़ में एक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है? इनफैक्ट असी रोबोटिक सर्जरी ऑलरेडी आज सवेरे शुरू की है ईडन हॉस्पिटल के विच। अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर, इट्स ए ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड असी ईडन हॉस्पिटल चंडीगढ़ के नाल असी एक जॉइंट वेंचर शुरू कर दिता, जिद ऑर्थोपेडिक सर्विसिज जो सा जॉइंट वेंचर होगा। ऑर्थोपेडिक सर्विसिज के जिन्ना भी फ्रैक्चरस होक्सीडेंट्स के पेशेंट्स होना ट्रीटमेंट लेटैसट तरीकों के नाल होगा, और जी जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो जी लेटैस ट्रीटमेंट जी अजे नॉर्थ इंडिया के सिर्फ अमृतसर के टेक्नोलॉजी असी हूँ चंडीगढ़ के शुरू कर दी है ईडन हॉस्पिटल के जॉइंट वेंचर। एंड सवेरे ही अज एक पेशेंट जी का गंठिए के कारण लैफ्ट नी जरा खबा घुटना खराब होया हुआ बहुत साल तो तुर नहीं सी सकते, वो रोबोट की हेल्प के नाल घुटना जरा रिप्लेस कर। सर, क्या स्पेशल है इस रोबोटिक सर्जरी में? रोबोटिक सर्जरी में मैम ऐसा होता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो नियरली 100% एक्यूरेसी के साथ आते हैं। जो बिना रोबोट के सर्जरी यहाँ चल रही है ऑलरेडी, उसके रिजल्ट जो हैं वो 100 में से 80 लोग जो हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन 20 लोग ऐसे हैं जो कभी ठीक नहीं होते पुरानी किस्म की सर्जरी से, जिसको मैनुअल सर्जरी बोलते हैं। उसमें बोन ज़्यादा कटती हैं पुरानी टेक्नोलॉजी से, और रिकवरी पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा रहता है, 4-6 महीने पेशेंट्स की रिकवरी चलती रहती है, खून ज़्यादा बहता है और हड्डी को काफ़ी ज़्यादा काटना पड़ता है। लेकिन जो नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसमें 100% परफेक्शन है, 100% एक्यूरेसी है, और साथ में बोन को काटना ही नहीं पड़ता। बोन को सिर्फ ग्राइंडर के जरिए जो रोबोट के हाथ में होता है और सर्जन के हाथ में होता है, बोन को सिर्फ सरफेस से ग्राइंड करते हैं, बोन लॉस बिल्कुल नहीं होता, मसल्स और लिगामेंट्स जो हैं वो बिल्कुल कटते नहीं। एंड पेशेंट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट का जो वॉकिंग स्टाइल है वो बिल्कुल जो नेचुरल वॉकिंग होती है ना उसके आसपास ही होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल सर्जरी की और रोबोटिक सर्जरी की, दोनों के प्राइस डिफरेंस क्या है और कुछ एज फैक्टर है क्या इनमें? नी रिप्लेसमेंट में कोई एज फैक्टर नहीं होता, पेशेंट अगर फिजिकली और मेंटली फिट है तो चाहे वो 90 साल का हो, 100 साल का हो या 40 साल का हो, सबके ऑपरेशन हो सकते हैं। खास करके रोबोट के ज़रिए तो सभी के ऑपरेशन एक्यूरेटली हो सकते हैं। जो कॉस्ट डिफरेंस है, जो नॉर्मल सर्जरी है वो रफली यहाँ हॉस्पिटल्स 1,75,000 में करते हैं, एंड जो रोबोटिक सर्जरी हम करेंगे वो हम 2,00,000 से शुरू करेंगे। सो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 25,000 का डिफरेंस है, बट जो पेशेंट्स को एडवांटेजेस मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा। तो आपके कहने का मतलब कि हॉस्पिटल्स में जब आप रखते हैं सर्जरी के लिए, तो सर्जरी के इमीडिएटली बाद छुट्टी हो सकती है? सर्जरी के 3 दिन बाद छुट्टी? 3 दिनों बाद। सर, आज आप लोगों ने MOU साइन किया हुआ है, अभी तक आप नॉर्मल सर्जरी कर रहे थे, क्या कारण था कि अभी तक आप रोबोटिक सर्जरी में नहीं अपना पाए थे? रोबोटिक सर्जरी अभी तक यहाँ चंडीगढ़ में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि अमृतसर में अवेलेबल है ये सर्जरी, तो हमने आपस में एक बार हमने डिस्कशन की एंड वी प्लान टू स्टार्ट दिस सर्जरी। तो इससे हमने MOU साइन करके आज से ही हमने शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में इससे पहले ये वाली सर्जरी नहीं हो रही थी, अब आज से ये शुरू हो गई। उसका दूसरा रीज़न ये है मैम कि जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, जो रोबोटिक मशीन है, एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, 6 करोड़ की मशीन आती है, और दूसरा ये सभी सर्जन के बस की बात है। सो नॉट ऑल हॉस्पिटल्स कैन स्टार्ट रोबोटिक। ऐसा क्यों? इट्स टेक्निकली डिफिकल्ट फॉर द सर्जन। व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? पहले तो 6 करोड़ की मशीन लेनी पड़ती है, विच इज़ नॉट ईजी, एंड देन यू हैव टू अंडरगो स्पेशल ट्रेनिंग फॉर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। इस हॉस्पिटल के बाद भी कहीं आप प्लान कर रहे हैं सर्जरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक हॉस्पिटल कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है शायद? वी आर ऑलरेडी डूइंग इन 3 hospitals इन अमृतसर, विल बी डूइंग दैट इन 1 hospital इन जम्मू वेरी सून, एंड दिस इज आवर 5th place वेयर वी आर डूइंग रोबोटिक सर्जरी। तो आपके अलावा भी नॉर्थ इंडिया में कोई कर रहा है? नॉर्थ इंडिया में पिछले महीने जलंधर में एक हॉस्पिटल में एक रोबोटिक मशीन आई, बट अदरवाइज आप अकेले हैं? Yes. Okay.